सरकार से ओबीसी का एम्पिरिकल डाटा मांग रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार ने कहा कि उन्होंने ओबीसी की जनगणना नहीं कराई। ऐसा प्रतिज्ञा पत्र भी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सौंपा है। ऐसा दावा राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल इन्होंने किया। वही उन्होंने सवाल खड़ा किया कि अब तक दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे से लेकर देवेंद्र फडणवीस तक क्या मांग कर रहे थे। शुक्रवार को मंत्री छगन भुजबल नागपुर आए, जिस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट से ओबीसी जनगणना के आंकड़े देने को कहा, जिस पर वो डाटा गलत है, ऐसा केंद्र सरकार ने कहा। इस पर हमने वो डाटा उन्हें मांगा और कहा कि हम इसमें बदलाव कर देंगे, जिसके बाद केंद्र सरकार ने दूसरा प्रतिज्ञा पत्र जोड़ा और ये डाटा ओबीसीओ का नहीं है, ऐसा स्पष्ट किया। केंद्र सरकार ने कभी नहीं कहा कि ये डाटा ओबीसी का नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चीजें साफ हो गई। वे हमारा डाटा नहीं चाहते थे, इसलिए केंद्र सरकार ने स्टैंड लिया कि हम ओबीसी की जनगणना नहीं करते हैं। कोई डेटा एकत्रित नहीं किया तो गोपीनाथ मुंडे की क्या मांग थी, समीर भुजबल और वीरप्पा मोइली की क्या मांग थी, देवेंद्र फडणवीस और पंकजा मुंडे ने कौन सा डेटा मांगा, ऐसा सवाल इस दौरान भुजबल ने खड़ा किया। ऐसा है कि जो आता है ठीक है, स्वप्न पड़ता है 40-50 वर्ष बोलना अपन चर्चा कराएगी जो भारत सरकार मांडायला तयार नाही। आणि मला हे सांगायचं की त्यामुळे केवळ आज महाराष्ट्र मध्ये ओबीसी अडचणीत आलेला आहे, सगळ्या देशातला ओबीसी अडचणीत आलेला आहे, हे भाजपने लक्षात ठेवा। आणि देशातील ओबीसीचं आरक्षण घालवण्यामध्ये थांबवण्यामध्ये भाजपचे लोक पुढे आहेत, हे सगळ्यांनी लक्षात ठेवायला पाहिजे। 3 महिन्यात डेटा कलेक्ट होईल याची खात्री तुम्हाला वाटते का? 3 महिने डेटा सर आम्हाला तुम्ही वेळ द्या ना, आम्ही करतो ना। 3 महिने आम्ही रात्रीची सगळी यंत्रणा, आता करोना थोडासा कमी झाल्यासारखं वाटतोय, ओमायक्रॉन किती आता परत वाढतो त्याच्याबद्दल माझ्याकडे माहीत नाही, परंतु तुम्ही आम्हाला संधी तर द्या हे सगळं करण्यासाठी। नवाब मलिक यांनी म्हटलंय की या सगळ्या मुद्द्यावर कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो राज्यात, राज्यातले मंत्री तशा पद्धतीचं बोलतात। आता असं आहे की ज्याचं दुखतं त्याला ते कळतं, ज्याच्यावर अन्याय होईल तो निश्चितपणे तो आवाज उठवणारच आहे। अशोक चव्हाण साहेब म्हणतात की आम्ही आहोत म्हणून महाविकास आघाडी आहे, कुठेतरी महाविकास आघाडीमधली खदखद जी आहे ती वारंवार दिसते। अजिबात काही खदखद नाही, एक पक्षाचं जरी सरकार असलं तरी आपापसामध्ये काही चर्चा होत असतात, मतभेद होत असतात, हे तर 3 पक्षाचं सरकार आहे आणि चर्चा होत असतात, त्याच्यातून प्रश्न सुटत असतात। महाविकास आघाडीला उद्धवजी ठाकरे, अजित पवार, बाळासाहेब थोरात असतील, अशोक चव्हाण असतील। केंद्र ने यह डेटा उपलब्ध नहीं कराया, यह कहते हुए कि हमारे डेटा में कई त्रुटियां थी, इसलिए हम कोर्ट गए। केंद्र ने कहा कि डेटा में त्रुटियां थी, हमने उन्हें कहा कि गलतियां हैं तो हम उन्हें सुधारेंगे। सांसद में ओबीसी डेटा के बारे में पूछे जाने पर सरकार ने जवाब दिया था कि डेटा 97.88% था, जो लगभग 99% सटीक है, हमारे वकील ने अदालत को बताया। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा संसदीय समिति को बताए गए आंकड़े सही है, हमें बताया गया डेटा गलत है, इसलिए यह डेटा हमें दिया जाना चाहिए, ऐसा वकील ने कहा। उसके बाद केंद्र ने हलफनामा जोड़ा कि यह ओबीसी डेटा नहीं था ताकि हमें डेटा न मिले, ऐसा भुजबल ने दावा किया। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़ नागपुर।